एसटीपी मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसटीपी मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find whether the lines represent the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 का 1 करने जा रहा है, जहां पे लिखा है 5x minus 4y plus 8 equal to 0, 7x plus 6y minus 9 equal to 0। तो यहाँ पे जो लीनियर पेयर दिया हुआ है, इस लीनियर पेयर का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, ये निकालना है हमें। लेकिन यहाँ पे एक बात है, हम लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसका कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन से हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्ट होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो आइए देखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, हम लोग दो इक्वेशन को दो साइड में लिखा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे हेयर A1 इक्वल टू 5। यहाँ पे जो x का कोफिशियंट है ये है A1, y का कोफिशियंट जो है ये होगा B1, और जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि 8, ये होगा C1। तो हम लोग लिखेंगे हेयर A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू -4 एंड C1 इक्वल टू 8। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे हेयर A2 इक्वल टू 7। यहाँ पे जो x का कोफिशियंट है इसको हम लोग लेंगे A2, y का कोफिशियंट होगा B2, और जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि -9, ये होगा C2। तो हम लोग लिखेंगे हेयर A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू 6 एंड C2 इक्वल टू -9। अभी देखिए क्वेश्चन में जैसे कहा गया है कि A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 का रेशियोस निकालना है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे नाउ A1 बाई A2 इक्वल टू 5/7। A1 का वैल्यू है 5 और A2 का वैल्यू है 7, इसीलिए इसको लिखेंगे 5/7। नेक्स्ट हमें रेशियोस निकालना है B1 बाई B2, तो हम लोग लिखेंगे B1 बाई B2 इक्वल टू -4/6। यहाँ पे देखिए B1 का वैल्यू है -4 और B2 का वैल्यू है 6। इसको हम लोग फिर से काट सकते हैं 2 से, तो 2 से काटने के बाद ये होगा -2/3। इसके बाद हम लोग C1 बाई C2 निकालेंगे, C1 बाई C2 होगा 8/-9। देखिए यहाँ पे C1 है 8 एंड C2 है -9, तो इसलिए होगा ये 8/-9। इन सारे रेशियोस निकालने के बाद हमें एक टेबल के बारे में पता होना चाहिए। आप लोग बुक में पेज नंबर 46 एंड टेबल 3.4 को देखिए, यहाँ पे तीन कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन है A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। सेकेंड कंडीशन है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। और थर्ड कंडीशन है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। हमें इन सारे रेशियोस निकालने के बाद हमें अभी टेबल में कंपेयर करना है कि कौन सा कंडीशन के साथ हमारा ये रेशियोस मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होता है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि जो दो लाइन हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करेंगे ये दो लाइन इंटरसेक्ट होगा। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। अगर सेकेंड कंडीशन मैच हो रहा है, यानी कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 हो रहा है, तब जाके ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन रहेगा इसका।
और अगर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, देन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा पैरेलल लाइंस एंड एल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा नो सॉल्यूशन। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो ए वन बाई ए टू एंड बी वन बाई बी टू दोनों का वैल्यू अलग अलग है, मतलब इक्वल नहीं है। ए वन बाई ए टू का वैल्यू है 5/7, बी वन बाई बी टू का वैल्यू है -2/3, मतलब हमारा यहाँ पे ए वन बाई ए टू और बी वन बाई बी टू का वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग है। तो टेबल में हम लोगों का जो फर्स्ट कंडीशन है ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग लिखेंगे सिंस ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, मतलब ए वन बाई ए टू का वैल्यू और बी वन बाई बी टू का वैल्यू इक्वल नहीं है। और अगर ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे देयरफोर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवेन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू अगर होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। एंड द पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इसका मतलब है इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो होगा, ये दोनों ग्राफ एग्जैक्टली वन पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर टू का नंबर टू कर रहे हैं, जिसमें और एक पेयर लीनियर इक्वेशन दिया गया है जो कि है 9x+3y+12 इक्वल टू जीरो, 18x+6y+24 इक्वल टू जीरो। पहले जैसा ही हम लोग दो साइड में दो इक्वेशन लिखेंगे। इसके बाद पहला जैसे ही हम लोग लिखेंगे हेयर ए वन इक्वल टू 9, बी वन इक्वल टू 3, सी वन इक्वल टू 12। और दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग लिखेंगे ए टू इक्वल टू 18, बी टू इक्वल टू 6, सी टू इक्वल टू 24। पहले जैसे ही हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे ए वन बाई ए टू इक्वल टू 9/18। यहाँ पे देखिए ए वन का वैल्यू है 9 और ए टू का वैल्यू है 18। फिर से हम लोग इसको 9 से काट सकते हैं, 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, मतलब 1/2। अभी देखिए बी वन बाई बी टू का रेशियो निकल रहा है, बी वन बाई बी टू मतलब 3/6। यहाँ पे देखिए बी वन का वैल्यू है 3 और बी टू का वैल्यू है 6। अभी दोनों को 3 से काट सकते हैं, इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट हमें निकालना है सी वन बाई सी टू, सी वन बाई सी टू इक्वल टू 12/24। सी वन का वैल्यू है 12 और सी टू का वैल्यू है 24। फिर से इसको हम लोग 12 से काट सकते हैं, 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24, मतलब 1/2। फिर से आप लोग इस टेबल पे देखिए अभी कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोगों का ए वन बाई ए टू जो है ये 1/2 है, बी वन बाई बी टू का वैल्यू 1/2 है, सी वन बाई सी टू का वैल्यू भी 1/2 है, मतलब यहाँ पे तीनों रेशियोज इक्वल है। इसका मतलब टेबल में देखिए ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तीनों रेशियोज इक्वल है, मतलब टेबल में जो सेकेंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है ये ग्राफ कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब एक के ऊपर और एक ग्राफ आ रहा है और इसीलिए इसका इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, देयरफोर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवेन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन एंड द पेयर ऑफ लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस।
तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग ग्राफ पेपर में ग्राफ ड्रॉ नहीं करके भी बता सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या कोइंसिडेंट लाइन होगा या पैरेलल लाइन होगा। बस हमें इस टेबल का थ्री कंडीशन थोड़ा याद रखना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।